के बोटल में भी मिल सकता है ये तो वो भी मैंने ट्राई किया था और ये भी मैंने ट्राई किया ये कि मैं ऑलरेडी यूज़ और, और तो बॉटल वाला जो है जो इसका न्यू पैकेजिंग है ना वो भी मैंने ट्राई किया था तो, तो सेम ही फ्रेग्रेंस है दोनों का तो आई थिंक इन्होंने पैकेजिंग शायद चेंज किया है उसका तो बात करें अब इसके मेन पॉइंट की कि इसकी फ्रेगरेंस कैसी है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा है इसको यूज़ मैंने इतना आधा बॉटल यूज़ कर लिया है तो मुझे ये कैसा लगा अब तक कितनी देर तक ये स्टे करता है लॉन्जिविटी कितनी है इसकी सब कुछ मैं आपको बताऊँगी सबसे पहले बात करें इसके फ्रेगरेंस की तो जैसे ही आप इसको स्प्रे करोगे जैसे ही आपने इसको स्प्रे किया ना इसका जो फर्स्ट नोट है ना जो इसका टॉप नोट है वो आपको थोड़ा सा सिट्रसी फ्रूट जो होता है ना वैसा लगेगा जैसे कि ऑरेंज टाइप कुछ लेमन टाइप कुछ ऐसा सिट्रसी फ्रूट टाइप का कुछ लगेगा जो कि काफ़ी रिफ्रेशिंग लगेगा अगर मैं भी मतलब फ्रूटी स्मेल्स मुझे भी नहीं अच्छी लगती लेकिन जैसे फ्रेश फ्रूट्स होते हैं ना जैसे लेमन हो गया ऑरेंज हो गया ये थोड़ी फ्रेशनेस प्रोवाइड करते हैं ना तो इस तरह का कुछ फ्रेशनेस आपको हिट होगी फर्स्ट नोट में ठीक है तो इसका टॉप नोट जो है ना वो थोड़ा सा सिट्रस ही है जो कि प्लेजेंट लगेगा बिल्कुल भी आपको ख़राब नहीं लगेगा अगर आप सिट्रस फ्रूट लाइक नहीं करते हो ना फिर भी आपको ये ये जो इसका टॉप नोट है ना ये अच्छा लगेगा जैसे ही आप इसको स्प्रे करोगे बात करें अगर मिडल नोट की तो मिड नोट में आपको इसमें मिलेगा आ, जैसे ब्लैक करंट आपको मिलेगा इसमें और आपको मिल जाएगा इसमें पचौली के कुछ हिंट्स मिल जाएंगे आपको मिडल नोट में मिडिल नोट मीन्स जैसे टॉप नोट होता है जैसे आपने आ, स्प्रे किया स्प्रे करते ही आपको जो फर्स्ट फ्रेग्रेंस आएगी उसे कहते हैं टॉप नोट मिडिल नोट होता है कि टॉप नोट से जब वो थोड़ा सा हल्का सा फेड होगी तो उसे कहते हैं मिडिल नोट ठीक है तो मिडिल नोट के टाइम पे आपको कौन सी फ्रेग्रेंस आ रही है तो उस टाइम आपको आएगी पचौली ब्लैक करंट की ठीक है तो और जब मिडिल नोट से जब वो लास्ट नोट पे आएगा ना बेस नोट पे आएगा एकदम फेड होते होते जो आता है जो लास्ट में आता है उसे कहते हैं बेस नोट तो बात करूँ इसके लास्ट नोट की तो फेड होता रहेगा तो लास्ट में आपको जो फ्रेग्रेंस आएगी वो आपको मिलेगी कुछ एम्बर की मिलेगी मस्क की मिलेगी मस्क की फ्रेगरेंस मिलेगी और हल्की सी टोबैको की फ्रेगरेंस आपको मिलेगी टोबैको इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करने वाला मिलेगा उसकी फ्रेगरेंस या फिर आपको बहुत ज़्यादा इरीटेट करेगी क्योंकि पर्सनली मुझे भी टोबैको की जो स्मेल है वो पसंद नहीं है लेकिन इसके अंदर जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा लाइट है ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हार्श वाली नहीं है बहुत लाइट है कि आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप नहीं लाइक करते हो तो मेरी तरह है ना लेकिन आ, इन तीनों इन सब चीज़ों को मिला के जो बनाया है वाइट ओ तो इसकी फ्रेगरेंस के मामले में अगर मैं बोलूँ तो फ्रेगरेंस तो इसका बहुत बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस है इसकी फ्रेगरेंस के मामले में कोई भी मुझे इससे कंप्लेट नहीं है तो ये सारी तो हुई फ्रेगरेंस की बात बात करूँ इसके प्रोजेक्शन की तो प्रोजेक्शन इसका नहीं है ऐसा नहीं है कि आपने लगाया और लोगों को आपको मतलब लोग आपसे पलट पलट के पूछ रहे हैं कि जी क्या लगाया उनको इतनी ज़्यादा इसकी फ्रेगरेंस चारों तरफ फैल रही है तो ऐसा कुछ नहीं है इसको लगाने के बाद से कुछ भी ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ मतलब इनफैक्ट मेरे बराबर वाली सीट में भी गाड़ी में अगर मैं बैठी हुई इसे लगा के तुरंत मैं लगा के बराबर वाली सीट में ही बैठी हूँ ना तब भी मतलब इतनी कोई ज़्यादा मतलब हमेशा मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने मुझसे पूछा हो कि यार कौन सा फ्रेग्रेंस लगाया है क्या लगाया है तो प्रोजेक्शन के मामले में मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा यहाँ इनफैक्ट मैं खुद भी अगर लगाऊँ ना तो मुझे भी नहीं आती है मतलब अगर आएगी ना तो पंद्रह दस पंद्रह मिनट तक मैक्स टू तो मैक्स पंद्रह मिनट तक आएगा मुझे फील होगा कि हाँ मैंने कुछ लगाया है और पंद्रह मिनट के बाद तो मुझे पता ही नहीं लगता है कि मैंने आ, कुछ लगाया भी है मतलब इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी उड़ती नहीं है इसका सियाज इतना अच्छा है नहीं वैसे लेकिन हाँ अगर आप अपने कपड़ों पे इसको स्प्रे करते हो ना तो कपड़ों पे अगर आप कपड़े उठा के ऐसे ऐसे स्निफ करोगे ना तो आपको कपड़ों पे ये रहती हैं ठीक है जब तक कपड़ा वॉश नहीं हो जाएगा तब तक ये कपड़ों पे बहुत आराम से काफ़ी देर तक लास्ट करती है जब तक आप इसको वॉश नहीं कर लोगे ठीक है बहुत धीरे 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 फेड होगी अगर होएगी भी तो मैंने हाफ़ बॉटल इसका यूज़ कर लिया तो अभी तक मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ पंद्रह मिनट के बाद मुझे पता ही नहीं चलता अगर लॉन्जिविटी की बात करूँ ना तो ये बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है किसी की किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा देर तक लास्ट करता है किसी के बॉडी के ऊपर बहुत कम देर तक टिकता है क्योंकि वो जो स्वेट होता है ना स्वेट के साथ मिक्स होके उस पर डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी पे कितनी देर तक लास्ट करता है मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं कि कुछ परफ्यूम जो बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग मेरे लिए नहीं है लेकिन उनके लिए हैं उनका बॉडी उनका स्वेट अलग है तो उनके लिए वो लॉन्ग लास्ट है लॉन्ग लास्ट करते हैं लेकिन मेरे लिए वो नहीं करते हैं तो इसलिए मैंने देखा है कि बॉडी पे भी डिपेंड बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है स्वेट टू स्वेट भी डिपेंड करता है ये ना कि लॉन्जिविटी कितनी है मेरे लिए तो बिल्कुल भी ये लास्ट नहीं करता है बस मुझे इससे यही शिकायत है fragrance वाइज ये बहुत अच्छा है fragrance अगर आपको सिंपल fragrance चाहिए देखो बाकी सब चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी और परफ्यूम में जो सबसे मेन चीज़ होती है ना उसकी लॉन्जिविटी होती है कि वो कितनी देर तक लास्ट करते हैं ठीक है ठीके? और fragrance होती है फ्रेग्रेंस तो obviously ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए वो तो फर्स्ट प्रेफ्रेंस है लेकिन वो ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो टिकता कितनी देर तक है तो उस मामले में ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है बाकी फ्रेगरेंस वाइज ये काफ़ी अच्छा है तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए अगर फिर भी आप ट्राई करना चाहते हो मैं तो बोलती हूँ एक बार ट्राई करके देख लो इसका ट्वेंटी एम का पैक भी जो आता है ना इनकी वेबसाइट पर अमेज़ोन पर भी मिल रहा है मैं लिंक डाल दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में तो आप वो ट्राई करके देखो आपको फ्रेग्रेंस तो डेफ़िनेटली इसकी पसंद आएगी ही आएगी अगर आपको थोड़ी सी इस टाइप की फ्रेग्रेंस अच्छी लगती हैं बात करें इसे कौन लगा सकते हैं किन लोगों के टाइप की फ्रेगरेंस है ये देखो अगर, अगर आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो ये आ, स्कूल गोइंग्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है आपके टाइप की फ्रेगरेंस नहीं है ये ये थोड़ा सा थोड़ा सा मिच्योर टाइप की थोड़ा सा मतलब हाँ आप पार्टी वगैरह में लगा के जा सकते हो यार मैं तो वैसे कभी भी लगा लेती हूँ मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई जगह मैंने ऐसे डिसाइड नहीं कर रखी ओकेजन नहीं डिसाइड कर रखा लेकिन हाँ मैं जब मन करता है मैं तब लगा लेती हूँ मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन माई मूड मेरा मूड जैसा होगा मैं वैसा फ्रेगरेंस लगाना पसंद करती हूँ ना कि जैसी जगह होगी मैं वैसे लगाती हूँ जैसा मेरा मूड होता है मैं वैसा फ्रेगरेंस लगाना पसंद करती हूँ तो आप इसको वैसे कभी भी लगा सकते हो लेकिन हाँ स्कूल गोइंग्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ठीक है टीनेजर्स के लिए नहीं है ये हाँ ट्वेंटी प्लस हैं आप तो आप लगा सकते हैं तो आपको पसंद आएगी वैसे मेरे हिसाब से तो मैं बोलूँ तो आप ट्वेंटी फ़ाइव प्लस हो तो आप लगाएं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगे ट्वेंटी फाइव प्लस वाले लगा सकते हैं बिंदास होकर इसको प्राइस की बात करूँ तो प्राइस है इसका एम है इसका ट्रिपल नाइन लेकिन अभी ये आपको ऑफर में मिल रहा है सिक्स फोटी नाइन का इनके बेला बेटा ऑर्गेनिक की वेबसाइट पे लेकिन अगर आप अमेज़न से लेते हैं तो अमेज़ॉन पे शायद आपको और भी कम में मिल सकता है सेल वगैरह जब भी मिले तो आप देख लेना एक बार ट्राई करके लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूंगी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं बेलाविटा ऑर्गेनिक के परफ्यूम्स तो आप एक मिनी बॉटल लेके ही ट्राई करें उसके बाद ही आप बड़ा बॉटल लें मैंने इसका मिनी बॉटल नहीं लिया था मैंने डायरेक्टली इसका बड़ा बॉटल ले लिया था बट आई थिंक आई एम नॉट गोन बाय अगेन दिस परफ्यूम मुझे क्योंकि इसकी लॉन्जिविटी ज़्यादा चाहिए होती है तो उस मामले में मुझे नहीं ठीक लगा तो इसलिए सो गाइज़ आई होप कि आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नहीं किया है तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में टिल दैन टेक केयर बाय बाय